अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागरिकता संशोधन बिल की। कैब के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों मुख्यालयों में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अलग अलग राज्यों के मुख्यालयों में सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जयपुर में भी कांग्रेस की ओर से गांधी सर्किल पर धरना दिया जाएगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री सचिन पायलट, एआईसीसी सचिव विवेक बंसल, तरुण कुमार, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस जन शामिल होंगे। आवाज बुलंद करने की कोशिश है और सीएबी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जंग छिड़ी हुई है। सरकार के अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां नाराजगी जाहिर कर रही हैं। संविधान के मूल्यों के साथ छेड़खानी का आरोप कांग्रेस लगा रही है और उसी की मद्देनजर अलग अलग हिस्सों में देश भर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद है, दुकानों पर ताले जड़ दिए गए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उसी फेरिस में बात अगर हम करें जयपुर की, तो गांधी सर्किल पर कांग्रेसी विरोध करेंगे, नारेबाजी करेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। गांधी सर्किल पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वहां पर जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की शुरुआत वहां पर सुबह से ही हो रही है और 2 बजे के बाद से नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा होनी है। 2 बजे पेश किया जाएगा, उसके बाद 6 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है, चर्चा होगी। लेकिन उसी बीच अलग अलग राज्यों से सरकार को विपक्ष की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लोग सड़कों पर नाराजगी बहुत ज्यादा है।